वार्ड नंबर 40 की विभिन्न समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुल्ताना बी के साथ वार्ड के रहवासी और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार कविता कड़ेला को सौंपा। सुल्ताना बी ने बताया कि पार्षद की अनदेखी के चलते नालियों में गंदगी पड़ी है, वार्ड में आवारा पशुओं की भरमार है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और लोग घायल हो रहे हैं। पेयजल को लेकर भी संकट बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों में यदि समस्या का हल नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन और नगर पालिका की होगी। जैसे कि हमने अभी ज्ञापन दिया है कलेक्टर मैडम को, वार्ड नंबर 40 में आवारा पशु जो कि नगर पालिका द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने 181 पे भी शिकायत करी थी पर उसका भी कोई मतलब हमें नहीं मिला, उसका निराकरण नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। प्लस अपने सफाई को लेके नालियाँ पूरी भर रही है, बोड़ों की हालत खराब हो रही है। हमने वार्ड के जो पार्षद हैं उनको भी अवगत कराया है पर उनका कहना है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इससे मतलब कैसे करूँ। मतलब जो भी अगर जाता है वार्ड का मेम्बर हमारे यहाँ से तो वहाँ जवाब यही मिलता है कि आपने हमें वोट नहीं दिए। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जैसे कि अभी से आप देख लीजिए सत्ता में बैठे हैं बीजेपी, बीजेपी सरकार जो सत्ता में बैठी अभी से भेदभाव चालू हो गया है। तो वोट आने में तो अभी टाइम है, चुनाव में अभी टाइम रखा है पर जब अभी से ये हालत है तो ये सत्ता में आने के बाद विधानसभा चुनाव के बाद क्या करेंगे। हमारे पार्षद हैं वार्ड नंबर 40 के, अपने रामलाल जी वाला, उनकी वाइफ है, उनसे कहा तो कहते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया सुल्ताना को दिया। क्या समस्या है? समस्या है आवारा पशु की है सबसे बड़ी समस्या। आए दिन मतलब कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, कभी मान लो किसी बच्चे के लग गई, गाड़ियां गिर गई, मतलब हो गई, ये चीजें सारी हो चुकी और ये छोटा मोटा अभी चल रहा है, ये भविष्य में आगे बड़ा कोई विकराल रूप ले। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि नगर पालिका कुछ करे जो कि हमें अभी तक निराकरण नहीं हुआ, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए। पैदल संकट 3 दिन में एक बार नल आते हैं सर, 3 दिन में आते हैं पर वो पर्याप्त नहीं सर। अभी तो हमने ज्ञापन दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन की स्थिति तो खुद नगर पालिका वाले और कलेक्टर ऑफिस के यहाँ से हमें मिल रहा है कि भाई करो आप आंदोलन, अगर ये नहीं करते हैं, अगर ये कार्रवाई होती है तो कोई समस्या नहीं। आम आदमी परेशान हो रहा है तभी तो आ रहे हैं, अगर हम परेशान नहीं होते तो क्यों आते हैं यहाँ पे। आज आम आदमी पार्टी ने वार्ड नंबर 40 की जो हमारी बहन है सुल्ताना भी और ये आम आदमी पार्टी की जॉइंट सेक्रेटरी भी है, इनके नेतृत्व में आज उन्होंने ज्ञापन दिया और जो नगर पालिका प्रशासन चाहे कलेक्टर प्रशासन, यहाँ का जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन रोज़ पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दावा करते हैं कि हम लोग साफ सफाई और बिल्कुल निमज को स्वच्छ और स्वस्थ बना दिए हैं। लेकिन आज हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें फोटो भी हमने प्रेषित किए हैं और प्रशासन को दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, आवारा पशु पक्षी सब तरफ घूम रहे हैं और जब ये जानवर लड़ते हैं आवारा जानवर तो बच्चे वहाँ पर चोटिल हो जाते हैं। और जो लगभग 2 साल पहले अमृत जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डली थी आज भी वो खुदी हुई है, उसमें सड़कों का निर्माण नहीं है। तो किस प्रकार से जनता का टैक्स का पैसा जो संपत्ति कर लेते हैं दूसरे टैक्सेस लेते हैं वो टैक्सेस कहाँ जा रहा है, हम नगर पालिका प्रशासन से पूछना चाहते हैं। और हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर उस वार्ड नंबर 40 में कोई भी कार्य नहीं होता है, साफ सफाई का हुआ, सड़क का हुआ और ये जो पानी जो 3 दिन में छोड़कर आ रहा है अगर ये नहीं आता है तो हम 7 दिन के बाद इनका टाइम लिमिट जो हमने दिया है उसके बाद में हम अगर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और समय मिला और अगर इन्होंने काम नहीं किया तो हम नगर पालिका प्रशासन का घेराव करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की और नगर पालिका प्रशासन की होगी। हम टैक्स के बदले सुविधा मांग रहे हैं, ये उनका दायित्व है नगर पालिका का कि हम टैक्स देते हैं, अगर उनका अधिकार है टैक्स लेने का तो उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाएं।